अच्छे होंगे यही दुआ करती हूँ। बजासा ब्लॉग चैनल में आप लोगों का स्वागत है फ्रेंड। तो आज है मंगलवार और मैं हूँ घर में। घर में किस लिए हूँ ये मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। मैंने स्कूल छोड़ दी और किस वजह से छोड़ी ये भी मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मेरा स्कूल छोड़ने का वजह क्या है। और इससे मेरा स्कूल छोड़ने का वजह जानने से पहले मेरे एक बार लक्ष्मी से आप लोग मिल लीजिए, वो आप लोगों से भी मिलना चाहती है। तो प्लीज चलिए मेरे साथ मेरे लक्ष्मी से मिलने के लिए। तो मेरे ब्लॉग्स में ज़रूर बने रहें और मेरे स्कूल छोड़ने का वजह क्या है ये भी ज़रूर जानें। फ्रेंड मैं क्या बताऊँ आप लोग से, पहले चलिए लक्ष्मी से ही मिल कर आते हैं, तब उसके बाद आप लोग जाने कि मैं किस वजह से स्कूल छोड़ दी हूँ। हाँ तो फ्रेंड ये मेरी लक्ष्मी है और मुझसे नाराज हो गई है आज। तो इसकी नाराजगी मैं दूर कर रही हूँ और इसे मना रही हूँ, इसे बार बार बोल रही हूँ कि रुसना फूलना अच्छी बात नहीं है, चलो गलती सबसे होती है, तुम भी मान जाओ। कल लक्ष्मी क्या की थी, बहुत हैरान की थी, अपने सर से जो रस्सी होते वो निकाल ली थी, घर में कोई नहीं था और मैं परेशान हो गई थी। तो इसी वजह से इसे मैंने बहुत डांटी और बोली तो वो मुझसे नाराज है। तो अभी मान गई है। और यहाँ देखिए ये हमारे यहाँ जो हैं इन गहरी नींद में है, इन्हें कुछ पता ही नहीं चल रहा कि अगल बगल क्या हो रहा है, लक्ष्मी को किस तरह से मनाया जा रहा है। तो वो तो मान ही नहीं है, वो है बुद्धि और बुधवार को उसका जन्म हुआ था इसलिए इसका नाम बुद्धि रखा गया है। और पंखा भी बंद है। तो यहाँ देखिए अब मेरे यहाँ ये दो महाराज है, ये रातों का राजा हैं और खाने का इंतजार कर रहे हैं, कोई के द्वार रखे कहीं ना दिया। हाँ तो फ्रेंड देखिए आज मैं रेसिपी में बना रही हूँ चने की दाल की बड़ी। और इसके लिए मैं कढ़ाई में हल्का तभी भी 2 चम्मच सरसों की तेल ली हूँ और इसे हल्के आंच में थोड़ा थोड़ा भून दे रही हूँ। और इसे भूनने के बाद 2-4 बड़ी को मैं मिक्सर में पीसूँगी और बाकी जो चने की दाल की बड़ी है उसे ऐसे ही छोड़ दूंगी। तो आप लोग देखिए इसमें मैं क्या क्या डालने वाली हूँ। तो मसाला में फ्रेंड ये जब बड़ी बनता है तो उसी समय गरम मसाला और जितना भी मसाले होते हैं सब डाल के बनाए जाते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा में थोड़ा सा मसाला मैंने ले ली है मिक्सर में पीसने के लिए। 3-4 बड़ी ली हूँ और लाल मिर्च धनिया पाउडर जो होता है थोड़ा बहुत, मतलब जो यूज करते हैं आलू ये सब के सब्जी में, उसे मैंने उसी मसाला को ली हूँ। और यहाँ देखिए मिक्सर में मैंने पीस ली है और इस तरह से बड़ी को भून कर फिर प्याज भूनिए और उसके बाद अपने स्वाद के अनुसार इसमें नमक डाली हूँ फ्रेंड। और ये जब प्याज हल्का ब्राउन कलर का होगा तब इसमें जो मैंने मिक्सर में मसाले तैयार की है पीस कर उसे मैं इसमें डालूंगी। और उसके बाद ये मसाले भूनने के बाद जब अच्छी तरह से भून जाए ये मसाले कढ़ाई से छोड़ने लगे तब मैं इसमें पानी डालूंगी। और पानी डालकर थोड़ा सा धीमी आंच पर इसे हल्का हल्का पकाऊंगी फ्रेंड। और इसके बाद फिर जब ये पूरे अच्छे से खोलने लगे और पूरा तैयार हो जाए इसमें से खुशबू आने लगेंगे, आप इसका देखिए कलर मतलब चेंज हो जाएगा, तब मैं इसमें इसे उतारूंगी। तो ये बरी का झोल कहलाता है, मैं वही बना रही हूँ, चने की दाल की बरी का झोल बन रहा है मेरे यहाँ। और आज दाल नहीं बनेंगे, उसके जगह पर ये चने की दाल की बरी का झोल बन रहा है। और देखिए लाइट भी चला गया है तो थोड़ा आप लोग को दिखने में अच्छा नहीं लगेगा वीडियो, लेकिन मुझे बनाना है तो आप लोग को जैसा भी हो मैं दिखलाती हूँ। तो यहाँ देखिए बड़ी खोलने लगे हैं, यहाँ झोल पूरा पकने लगे हैं, तो करीब इसे 5 मिनट तक अच्छी तरह तेज आंच पर ही खौलाऊंगी। और इसके बाद यहाँ देखिए ये मेरा पूरा बड़ी तैयार हो गया, आप लोग भी।
हाँ तो फ्रेंड आप लोग बताइएगा आज का वीडियो मेरा कैसा लगा, लक्ष्मी को मनाना और चने की दाल की रेसिपी का झोल बनाना बताइए, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसा रहा मेरा आज का वीडियो। और अभी हमारे यहाँ बहुत गर्मी है फ्रेंड, बारिश का सीज़न तो आ गया है लेकिन गर्मी बहुत है। देखिए मैं पूरा पसीना पसीना हो गई हूँ और ऊपर देखिए पंखे चल रहे हैं तभी भी कंडीशन गर्म एकदम ठीक नहीं है, गर्मी से पूरा सब परेशान है। और फ्रेंड मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मेरा स्कूल छोड़ने का वजह क्या है, तो स्कूल छोड़ने का वजह मेरा यूट्यूब ही है। और मैं यूट्यूब छोड़ी हूँ कि मैं कुछ अच्छी तरह से यूट्यूब पर काम कर सकूँ, सोशल मीडिया पर काम कर सकूँ, आप लोगों को अच्छी अच्छी वीडियो बना कर दे सकूँ। स्कूल रहते हुए मैं नहीं कर पाती थी तो मुझे अच्छा भी नहीं लगता था, और जो मुझे चैनल को रिस्पॉन्स मिलना चाहिए वो रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रही थी स्कूल के वजह से। इस वजह से मैं सोची कि अब स्कूल को ही मैं अलविदा बोलती हूँ, लेकिन थोड़ा क्या बहुत दुख हो रहा है मुझे स्कूल छोड़ते हुए। घर का कंडीशन भी ठीक नहीं है, अभी हालात हमारे बहुत ख़राब हैं। इन्हीं हालात के ख़राब होने की वजह से फ्रेंड मैं सोशल मीडिया से जुड़ी कि अगर हो सके तो मैं चैनल बनाकर अपने घर की कंडीशन ठीक कर सकूं। तो इसी वजह से मैं यूट्यूब चैनल बनाए, और एक दूसरे को देख देख के ही मुझे लगता था कि शायद मैं भी अपने घरों की हालात सुधार सकूंगी। तो फ्रेंड मैं इसीलिए यूट्यूब से जुड़ी, और कुछ तो मुझे त्यागना होगा तभी तो कुछ मुझे मिलेगा। तो मैं सोची कि अब स्कूल ही छोड़ देती हूँ, और जिस तरह से इतने दिनों से आप लोग प्यार सपोर्ट बनाए हुए हैं, प्लीज़ हमेशा मेरे साथ बनाए रहिएगा, यही प्यार यही सपोर्ट आप लोग देते रहिएगा, मेरे मनोबल को कभी कमज़ोर मत होने दीजिएगा। अगर मेरा मनोबल कमज़ोर हो जाए फ्रेंड, आप लोग सपोर्ट करना बंद कर दे तो मैं एकदम टूट जाऊंगी, मुझ में अब हिम्मत नहीं रहेगा। मैं पहले भी एक बार निराश हो गई थी और YouTube को छोड़ने के लिए सोच ली थी, लेकिन आप ही लोग मुझे हिम्मत दिए तो फिर मैं जुड़ी हूँ। और इस बार मैं तो स्कूल ही छोड़ दी हूँ फ्रेंड, क्योंकि आप लोग जान रहे हैं एक एक जब मुसीबत आती है तो एक एक रुपया किसी के लिए महंगा हो जाता है, तो वही हिसाब है अभी मेरे पास। लेकिन मैं छोड़ी हूँ कि चलो भाई कुछ तो त्यागना पड़ेगा तभी तो कुछ मिलेगा। तो मैं सोची अब सोशल मीडिया में ही रहकर अच्छी तरह से काम करूँ, आप लोग के साथ जुड़ी रहूँ, इस वजह से मैंने स्कूल छोड़ दी हूँ। तो फ्रेंड अब मैं आप लोग से विदा लेना चाहती हूँ, अगले वीडियो का मेरा इंतज़ार करिएगा। और क्या बोलूँ, जो प्यार जो मान सम्मान मुझे आप लोगों ने दिया है वो हमेशा बरकरार रखिएगा। तो थैंक यू, टेक केयर, अब मैं चलती हूँ। ऐसा ना करे, अरे कहाँ चल दिए आप लोग, अभी बैठ जाइए, शांति से बैठिए। अभी आप लोगों से भी कुछ बात करनी है, और वो बात करनी है जो नए फ्रेंड मुझसे जुड़ रहे हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल घंटी को प्रेस करे, और लाइक कमेंट जरूर करें। तो चलती हूँ, थैंक यू, बाय।